अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अल्टरनेटिंग करंट थ्रू इंडक्टर। अब हम यहाँ पर बिहेवियर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट देखेंगे थ्रू अ इंडक्टर। इंडक्टर कॉइल कौन सी कॉइल होती है? यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, अ कॉइल और अ सॉलिनाइड वाउंड फॉर्म ऑफ अ थिक वायर। हम एक थिक वायर को किसी सिलेंडर के ऊपर अगर बाउंड कर दें, या वहाँ पे कोई सॉलिड सिलेंडर हो या वहाँ पे कोई एयर का कोर हो, उसको हम क्या बोल देते हैं कि वो कॉइल की फॉर्म में है या फिर सॉलिनाइड की फॉर्म में है। यहाँ पे जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो कौन सी वायर कंसीडर कर रहे हैं? थिक वायर कंसीडर कर रहे हैं, थिक वायर ऑफ अ सॉलिनाइड। थिक वायर हमने क्यों ली है? हमारी जो यहाँ पे ज़रूरत है Having large self inductance, ऐसी coil हमने यहाँ पे consider करनी है जिसकी self inductance जो है वो क्या हो, large हो, और उसकी जो resistance है वो क्या हो, negligible हो। तो resistance को negligible, resistance को कम करने के लिए हमारे पास क्या तरीका कार है कि जो resistance होती है वो inversely relate करती है area के साथ। अगर एरिया बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो हम यहाँ पर ऐसी तार लेते हैं, ऐसी वायर लेते हैं, ऐसी वायर की इंडक्टर लेते हैं जो कि थिक हो। हम यहाँ पर थिक वायर इंक्लूड करते हैं। अ कॉइल और सॉलिनाइड वाउंड फॉर्म अ थिक वायर हैविंग लार्ज सेल्फ इंडक्शन एंड अ निगलिजिबल रेजिस्टेंस, दिस इज इंडक्टर। हम यहाँ पर इस अल्टरनेटिंग करंट के बिहेवियर को समझने के लिए इस किस्म का इंडक्टर एक सर्किट में लगा देते हैं। वो सर्किट जिसमें इंडक्टर लगा हुआ हो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ, वो कौन सा सर्किट कहलाएगा? इंडक्टिव अल्टरनेटिंग सर्किट। व्हेन अ इंडक्टर इज कनेक्टेड विद द अल्टरनेटिंग सोर्स, इट इज कॉल्ड इंडक्टिव अल्टरनेटिंग सर्किट। क्या कहलाएगा? इंडक्टिव अल्टरनेटिंग सर्किट। अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि जो सर्किट है, इस सर्किट में जैसे ही हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वैसे वैसे इसमें करंट भी अप्लाई हो रहा होता है। वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इस सर्किट में करंट बनना शुरू हो जाएगा। हमने इस इंडक्टर के अक्रॉस अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई किया, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई की, उससे क्या होगा, ये वाला जो एक चेंजिंग करंट है, ये जो चेंजिंग करंट है, ये इस सर्किट में से मूव करना शुरू हो जाएगा। ये जो इंडक्टिव कॉइल है, ये जो इंडक्टिव कॉइल है, इस कॉइल के अंदर से जब करंट गुजरेगा तो यहाँ पर ये एक पोल इसका नॉर्थ पोल बन जाएगा। ये सॉलिनाइड है, सॉलिनाइड का एक पोल नॉर्थ बन जाएगा और एक पोल इसका साउथ पोल बन जाएगा। ये यहाँ पर इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही होंगी पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल और पॉजिटिव हाफ साइकिल दोनों शो करेगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक साइड नॉर्थ होगी, एक साइड साउथ होगी, और फिर इस इंडक्टर जब सेकंड हाफ साइकिल होगा करंट का, तो ये जो इंडक्टर है, यहाँ पर जो इंडक्टर लगी हुई है, इसका एक साइड वो जो नॉर्थ थी वो साउथ में बदल जाएगी और जो साउथ थी वो नॉर्थ में बदल जाएगी। हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इसका बिहेवियर कैसे होता है। व्हेन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस एन इंडक्टर, इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। ये जो इंडक्टर कॉइल है, इंडक्टर है, ये अल्टरनेटिंग करंट सोर्स की वजह से जो फ्लो ऑफ करंट है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। उसकी रीजन क्या है? हमें याद है कि यहां पर जब करंट गुजरेगा तो यहां पर नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएंगे। नॉर्थ और साउथ पोल बनने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके अपने अंदर से गुजरेगा। इस ही कॉइल के अंदर क्या हो जाएगी, सेल्फ इंडक्शन। इस कॉइल के अंदर क्या हो जाएगी, सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिना क्रिएट होगा। और कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, EL इज इक्वल टू L डेल I ओवर डेल T, ये ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस हो जाएगी। आपको याद होगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, ये किस डायरेक्शन में करंट का फ्लो करवाएगी, अपोज करेगी अल्टरनेटिंग करंट को। ये किसको अपोज करेगी, अपने ही कॉज को अपोज करेगी। ये अल्टरनेटिंग करंट को
अपोज कर रही होगी। ये जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, व्हेन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड क्रॉस एन इंडक्टर इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। क्यों फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेगी? क्योंकि वहां पर एक बैक ईएमएफ पैदा होगी। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। इस ईएमएफ को हम क्या बोलते थे? बैक ईएमएफ। ये अल्टरनेटिंग करंट सोर्स को अपोज करेगी। अब यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है, यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है वो किसके इक्वल होगी? इफ आर ऑफ अ क्वाइल इज निगलिजिबल, इस क्वाइल की रेजिस्टेंस कम हो। हमने कौन सी वायर ली है? थिक वायर, तो इसकी रेजिस्टेंस जाहिर बात है कम होगी। इफ आर ऑफ क्वाइल इज निगलिजिबल एंड एल इज इंडक्टेंस ऑफ द क्वाइल, तो जो चेंजिंग करंट हमने अप्लाई किया है इसके ऊपर, जो चेंजिंग करंट हमने इस पे अप्लाई किया है, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी चेंजिंग करंट, वो क्या करेगा? प्रोड्यूसेस बैक ईएमएफ। वो इसमें क्या पैदा कर देगा? बैक ईएमएफ पैदा कर देगा। ई एल इज इक्वल टू एल डेल आई ओवर डेल टी। बैक ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, वो कौन सा एक्सप्रेशन है? ई एल इज इक्वल टू एल डेल आई ओवर डेल टी। ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो किसके इक्वल होगी? अप्लाइड वोल्टेज के। अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ और बैक ईएमएफ। अगर हम चाहते हैं कि हमारे सर्किट में करंट फ्लो करता रहे, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता रहे, तो हम उतना ही करंट अप्लाई करेंगे, हम उतनी ही वोल्टेज यहां पर अप्लाई करेंगे कि जो यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो उसको बराबर, उसके इक्वल कर सके। वरना ये वोल्टेज इसको अपोज कर रही है, वो क्या करेगी? इसके ऊपर इसके फ्लो को क्या कर देगी? रोक देगी। तो हम यहाँ पर जो अप्लाई वोल्टेज है वो कितनी रखनी है कि वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल हो, अगर हम चाहते हैं कि मेंटेन रहे करंट सर्किट में, मेंटेन रहे। अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ और बैक ईएमएफ। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू EL, induced EMF and applied EMF, applied voltage और induced voltage या EMF. तो यहाँ पर V is equal to L del I over del T, हमने यहाँ पर EL की value put कर दी, V is equal to L del I over del T. V directly relate to del I over del T. यहाँ पर L क्या है हमारे पास? Constant है। इस कांस्टेंट को अगर रिमूव कर दें तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाएगा। V डायरेक्टली रिलेट टू डेल आई ओवर डेल टी। डेल आई ओवर डेल टी क्या चीज है? ये गिव्स स्लोप ऑफ आई टी कर्व। हमें ये क्या देगा? स्लोप ऑफ आई टी कर्व। हमने क्या लिया हुआ है? चेंज इन करंट एट वाई एक्सिस। साइड पर ग्राफ देख लें आप। यहां पर हमने जो ब्लैक वेव मैंने बनाई है वो क्या है? आई टी कर्व। टाइम के लिहाज से जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं करंट का चेंज, टाइम एक्स एक्सिस पर और करंट जो है वो वाई एक्सिस पर, आई टी कर्व। अगर हम आई टी कर्व, इस कर्व का स्लोप कैलकुलेट करें, यानी कि हम वाई पर चेंज होने वाली क्वांटिटी करंट डेल आई और एक्स पर चेंज होने वाली क्वांटिटी यानी कि डेल टी, डेल आई और डेल टी, ये रेशो कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिलेगी? गिव्स द स्लोप ऑफ आई टी कर्व। ये जो स्लोप ऑफ आई टी कर्व होगा ये एक्चुअली किसके इक्वल होगा? ये जो क्वांटिटी हमें क्या दे रही है? स्लोप ऑफ आई टी कर्व। ये जो स्लोप ऑफ आई टी कर्व है ये एक्चुअली किस चीज को एक्सप्लेन कर रही है? वोल्टेज को। ये किस चीज को एक्सप्लेन कर रही है? वोल्टेज को। ये वोल्टेज क्या है? इसको आप अप्लाइड वोल्टेज कह लें या इंड्यूस वोल्टेज, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। तो जितनी यहां पर अप्लाई की हमने उतनी ही यहां पर इंड्यूस हो रही है। हम जितनी एनर्जी क्या नाम है इंडक्टर को दे रहे हैं वही एनर्जी इंडक्टर भी हमें रिटर्न कर रहा होगा। अभी हम उसको यहाँ पे ग्राफ में ऑब्जर्व कर लेते हैं। हम यहाँ पर फिलहाल वोल्टेज की कर्व को फाइंड आउट करते हैं। किसकी मदद से? कैलकुलेट करेंगे स्लोप ऑफ द आई टी कर्व। स्लोप ऑफ द आई टी कर्व, यहाँ पर स्लोप कब मैक्सिमम होता है और कब मिनिमम, ये वाली जो डायरेक्शन, अगर स्लोप हमारे पास आ जाए, स्लोप क्या चीज़ है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यानी कि डेल y ओवर डेल x, वो क्वांटिटी जो हमने ग्राफ में y एक्सिस पर ली हुई है उसका चेंज डिवाइड बाय वो क्वांटिटी यहां पर, ये किसका स्लोप है? मिनिमम
अगर हम डेल वाई ओवर डेल एक्स, वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये हमें क्या देगा, ये क्वांटिटी हमें क्या देगी, स्लोप देगी चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स। तो वो जो चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स है वो किसके इक्वल है, वोल्टेज, वो हमें वोल्टेज का बता रही है। तो ये जो स्लोप हम कैलकुलेट करेंगे आई टी कर्व का, वो हमें वोल्टेज वी टी कर्व हमें बताएगी कि वी टी कर्व कब मैक्सिमम है और कब मिनिमम। यहाँ पे हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं कि ये जो आई टी कर्व का स्लोप है, ढलवान या चढ़ाई, इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये जो ब्लैक वेव है आई टी कर्व, इसका स्लोप यहाँ पर क्या है। मैंने बोला कि ये वाला मिनिमम और ये वाला क्या होता है, मैक्सिमम स्लोप। तो यहाँ पर स्ट्रेट स्लोप इस तरीके से बनेगा, इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करें, स्लोप कैसे ड्रा करते हैं हम, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा कर देते हैं। यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करें तो इसका स्लोप वर्टिकल है, वर्टिकल स्लोप है। तो इट्स मीन जो चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, यानी कि यहाँ पर हमारे पास वाई पर चेंज होने वाली क्वान्टिटी कौन सी है, आई, और एक्स पर चेंज होने वाली टी। तो डेल आई ओवर डेल टी हमें क्या देगा, स्लोप देगा। वो स्लोप किसके इक्वल है, वोल्टेज के इक्वल। यहां पर स्लोप क्या है, मैक्सिमम। इट्स मीन वोल्टेज जो है वो इस पॉइंट पर मैक्सिमम है, वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू रखती है। जैसे जैसे ये स्लोप चेंज हो रहा है, अब ये स्लोप क्या हो रहा है, यहां पर अगर मैं इसको वेव को ड्रॉ करूं, ये स्लोप इधर, ये स्लोप यहाँ पर वर्टिकल था, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करें तो स्लोप हमें मिलेगा, वो क्या हो रहा है, तिरछा हो रहा है। तिरछा होते होते इस पॉइंट पर क्या हो गया, बिल्कुल फ्लैट हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। तो ये वाला स्लोप मिनिमम, ये वाला मैक्सिमम क्वांटिटी देगा। जब इस शक्ल में है तो हमारे पास वोल्टेज मैक्सिमम आ रही है, जब इस शक्ल में ये यहाँ पर इस पॉइंट पर तिरछा हुआ, इस पॉइंट पर क्या हो गया, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। जब ये हॉरिजॉन्टल होगा तो जो इस स्लोप से बनने वाली क्वांटिटी होगी, डेल आई ओवर डेल टी का स्लोप हमें क्या देगा, मिनिमम क्वांटिटी, वोल्टेज। जैसे जैसे स्लोप डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे उससे बनने वाली क्वांटिटी जो है वो क्या हो रही है, वो भी डिक्रीज। वोल्टेज जो है वो अपनी जीरो वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, वोल्टेज अपनी जीरो वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर स्लोप जो है वो तिरछा हो रहा है, अब स्लोप क्या कर रहा है, दोबारा से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज इंक्रीज, और फिर ये इस पॉइंट पर आकर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। यहाँ पर ये बिल्कुल इस डायरेक्शन में वर्टिकल हो गया। जब वर्टिकल होगा तो हमें डेल वाई ओवर डेल एक्स वाली क्वांटिटी क्या देगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लोप। स्लोप क्या है, ढलवान। अगर यहाँ पे इस तरीके से हो, ये चढ़ाई बिल्कुल बहुत मुश्किल, ये मैक्सिमम स्लोप, ये क्या है, स्लोप कम हुआ, स्लोप कम हुआ, और ये बिल्कुल क्या है, स्लोप बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पर चढ़ाई नहीं है, ये चढ़ाई है, यहाँ पे चढ़ाई है, और ये क्या है, बिल्कुल वर्टिकल। तो ये सबसे मैक्सिमम स्लोप कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और फिर ये क्या है, मिनिमम। तो स्लोप क्या चीज़ है, ढलवान या चढ़ाई। अब आई टी कर्व का हम स्लोप डिस्कस कर रहे हैं, ये स्लोप इस पॉइंट पर इंक्रीज डिक्रीज तिरछा, और ये बिल्कुल क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। इस पॉइंट पर जो स्लोप ऑफ आई टी कर्व क्या है, डिक्रीज हो गया बिल्कुल। तो इससे बनने वाली क्वांटिटी डेल आई ओवर डेल टी, स्लोप ऑफ आई टी कर्व किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी। जैसे जैसे स्लोप इंक्रीज करेगा आई टी कर्व का, वैसे वैसे वोल्टेज की वैल्यू हमें मिलती रहेगी, क्योंकि वोल्टेज और स्लोप ऑफ आई टी कर्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर ये स्लोप ऑफ आई टी कर्व, याद रहे ब्लैक वेव किसकी है, करंट की, जिसमें चेंज आ रहा है रिस्पेक्ट टू टाइम। अब स्लोप ऑफ आई टी कर्व क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर इंक्रीज हो रहा है, और फिर ये बिल्कुल वर्टिकल हो गया। जब ये वर्टिकल होगा तो उस वक्त इससे बनने वाली क्वांटिटी जो है वो क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। अब ये वोल्टेज का ये वाला एक्सप्रेशन, ये वोल्टेज क्या हो गई, मैक्सिमम। ये हमें देगी कि इस सर्किट में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो
कब इंक्रीज हो रही है, कब डिक्रीज हो रही है, कब इंक्रीज। तो जैसे जैसे स्लोप ऑफ आई टी कर्व इंक्रीज और डिक्रीज होगा, वैसे वैसे ही सर्किट में जो वोल्टेज की वैल्यू है वो इंक्रीज और डिक्रीज होगी। यहाँ पे इस कंप्लीट साइकिल में पावर डिलीवर्ड का कंसेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस की डेफिनेशन, यहाँ पर पावर डिलीवर्ड डिस्कस करते हैं कि पहले हाफ साइकिल में, ये पहले इंटरवल में 0 से टी बाई 4 में, इस इंटरवल में दोनों 0 से ऊपर हैं, वोल्टेज की कर्व भी और यहाँ पर करंट की कर्व भी 0 लाइन से ऊपर है। तो हम जब पावर को कैलकुलेट करेंगे P इज इक्वल टू वी आई, यहाँ पर वोल्टेज भी पॉजिटिव और करंट भी पॉजिटिव, तो पावर क्या आएगी हमारे पास, पॉजिटिव आ जाएगी इस वाले इंटरवल में 0 से टी बाई 4 में। उसके बाद टाइम इंक्रीज हो रहा होता है टी बाई 4 से टी बाई 2। दूसरे में देखें, ये जो ब्लैक वेव है ये किसकी थी, करंट की, करंट की वेव जो है वो 0 से ऊपर है, यहाँ पर ये पॉजिटिव और जो वोल्टेज है वो क्या है हमारे पास, नेगेटिव। तो जो पावर आएगी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो पावर है वी आई पॉजिटिव और यहाँ पर करंट पॉजिटिव और वोल्टेज नेगेटिव, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा नेगेटिव। पावर दूसरे चौथे हिस्से में क्या हो गई, नेगेटिव। पॉजिटिव पावर से मुराद क्या है कि हमने ये एसी सोर्स ने इंडक्टर को पावर डिलीवर्ड की, ये क्या कहलाएगी, पावर सप्लाइड। इसको हम क्या बोलेंगे, पावर सप्लाइड। और ये वाली जो नेगेटिव है इसको हम क्या बोलेंगे, पावर रिटर्न। इसी तरीके से यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे ब्लैक वेव भी 0 से नीचे है, एक्स एक्सिस से नीचे है, और रेड भी एक्स एक्सिस से नीचे है। तो ये दोनों क्या है, नेगेटिव। यहां पर जो पावर आएगी, पावर इज इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव, ये एक्सप्रेशन क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड इंटरवल ऑफ टाइम ये कितना हो जाएगा, टी बाई 4, 3t/4। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन, ये जो पावर पॉजिटिव आई है, इससे मुराद क्या होगा, थर्ड इंटरवल में दोबारा जो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है वो पावर सप्लाइड करेगा, पावर सप्लाइड, वो दोबारा इंडक्टर को पावर सप्लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर P इज इक्वल टू वी आई। अब यहां पर देखें, ये जो रेड वेव है वोल्टेज जो है पॉजिटिव है और जो करंट है वो नेगेटिव, वोल्टेज पॉजिटिव और करंट नेगेटिव, यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव, पावर नेगेटिव है, इट्स मीन पावर रिटर्न्ड टू द सर्किट। तो ये एक कंप्लीट साइकिल में क्या हो रहा होता है, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होती है ये EMF इंड्यूस यहाँ पर होती है, फिर ये वोल्टेज डिक्रीज होती है, ये वोल्टेज डिक्रीज हो गई, इसमें EMF इंड्यूस हुई हुई है, ये जो EMF इंड्यूस है ये करंट को इधर से इधर फ्लो करवाती है, यानी कि एनर्जी को वापस AC सोर्स को सप्लाई कर रही होती है। मतलब कि ये एनर्जी सप्लाइड, पहले हाफ में एनर्जी सप्लाई टू द इंडक्टर, दूसरा जो इंटरवल है उसमें इंडक्टर दोबारा सोर्स को एनर्जी रिटर्न करता है। उसके बाद थर्ड इंटरवल ऑफ टाइम जो टाइम पीरियड का तीसरा हिस्सा है, उसमें एसी सोर्स दोबारा इसको इंडक्टर को एनर्जी सप्लाई करता है। और चौथे टाइम पीरियड के चौथे हिस्से में ये जो इंडक्टर ने एनर्जी ली हुई थी ये एनर्जी दोबारा रिटर्न करती है। तो ओवर अ कंप्लीट साइकिल एनर्जी जो है वो ज़ाया नहीं होती, एनर्जी जो है वो सप्लाइड रिटर्न, एनर्जी कंज्यूम नहीं होती, एसी सोर्स की एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही होती। यहाँ पर कंसेप्ट डिस्कस करते हैं हम
चोक, हमारे पास एक इंडक्टर क्वाइल है जिसको कहते हैं चोक। ये कौन सी डिवाइस है, ये कौन सी क्वाइल है जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो एनर्जी कंजप्शन होती है वो क्या हो रही होती है, वो ज़ीरो होती है। द डिवाइस या इंडक्टर इन विच एनर्जी कंजप्शन इज ज़ीरो, विच इज used to control the AC, alternating current को control करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है इंडक्टर। यह आपने ट्यूब लाइट्स के अंदर देखी हुई होगी, ट्यूब लाइट्स पे अब तो बल्ब चलते हैं, जो पहले ट्यूब लाइट्स में दरमियान में जो वो लगा होता था जिसे हम बोलते थे इंडक्टर क्वाइल, वो alternating current source को एनर्जी को कंज्यूम करने, वो एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती थी इंडक्टर क्वाइल। यहां पर आखिरी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं हम, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस ये क्या होती है, द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ एसी, अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल को जो ऑपोजिशन फ्राहम करता है इंडक्टर उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, XL, XL इज इक्वल टू ओमेगा L, ओमेगा की वैल्यू हम यहां पे पुट कर सकते हैं 2πfL। XL डायरेक्टली रिलेट टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी इंडक्टिव रिएक्टेंस भी इंक्रीज करेगी, अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी डिक्रीज कर रही होगी। यहां पर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है AC थ्रू अ इंडक्टर।